अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल गीक चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए पाकसैट 1R38 रिसीवर सैटेलाइट की एक ज़बरदस्त अपडेट लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकसैट 1R38 रिसीवर जो सैटेलाइट है, इसका पिछले काफ़ी दिनों से इशू आ रहा है। मीन के सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू था। काफ़ी सारी ऐसी टीपीज और ऐसे चैनल थे जो रिसीव नहीं हो रहे थे। स्पेशली अगर 4 फीट की बात करें तो 4 फीट यूज़र को पाकसैट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि पाकसैट 1R38 रिसीवर जो सैटेलाइट है, इसके सिग्नल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त पाकसैट 1R38 रिसीवर जो सैटेलाइट है, उसके सिग्नल का क्या स्टेटस है। फ्रेंड्स, मेरे पास ये 6 फीट का डिश एंटीना है, इस पर मेरे पास पाकसैट 1R38 रिसीवर सैटेलाइट सेट है। और कल मैंने ट्यूनिंग की है तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल, मीन के जो चैनल पहले मेरे पास रिसीव नहीं हो रहे थे, वो रिसीव हुए हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे दोस्तों ने अपडेट किया है कि पाकसैट के सिग्नल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, मीन के काफ़ी ज़्यादा जो चैनल हैं वो अब रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपके पास पाकसैट 1R38 रिसीवर सैटेलाइट सेट है 4, 5 या 6 फीट डिश एंटीना पर, तो चैनल कम आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, अपने सैटेलाइट रिसीवर को आप अगेन से ट्यून करें। स्पेशली जिन चैनल्स का इशू आ रहा है, ज़्यादा जो दोस्त कंप्लेन कर रहे थे, जियो का नेटवर्क है उसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, हम का जो नेटवर्क है उसका इशू आ रहा था, इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट के चैनल है तो उन सब का इशू आ रहा था, लेकिन अभी ये इशू रिजॉल्व हो गया है। अगर आपके पास 5 फीट डिश एंटीना मौजूद है तो पाकसैट 1R38 रिसीवर सैटेलाइट आप 5 फीट डिश एंटीना पर 4 रिसीव कर सकते हैं और आपके पास 170+ चैनल रिसीव होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सैटेलाइट ट्यून करते हैं दोबारा, उसके बावजूद आपके पास चैनल नहीं आता, तो फिर आपने अपने डिश एंटीना की सेटिंग करनी है। डिश एंटीना की सेटिंग आपने ऐसे करनी है, पीटीवी होम को आपने सामने रखना है और उसके सिग्नल आपने कोशिश करना है 85 से 90% तक लेके जाएँ सिग्नल क्वालिटी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने रिसीवर को ब्लाइंड स्कैन सर्च कर देना। जब आप ब्लाइंड स्कैन सर्च करेंगे, उसके बाद आप देखें जो फ्रिक्वेंसी आपके पास वीक आ रही है, फिर आप उस फ्रिक्वेंसी को स्टेबल करें और उसके बाद दोबारा से आप ब्लाइंड स्कैन सर्च करेंगे तो आपके पास पाकसैट 4 रिसीव हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, ये पाकसैट सैटेलाइट के सिग्नल का आपको बता रहे थे कि अभी स्टेबल हो चुके हैं। तो आपने अपने डिश एंटीना की सेटिंग करके ब्लाइंड स्कैन सर्च करना है तो आपके पास मुकम्मल चैनल रिसीव हो जाएंगे। पाकसैट 1R38 रिसीवर सैटेलाइट की जो वीक टीपीज हैं या जिन टीपीज का इशू आ रहा है, उनकी मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, साथ साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं। तो टीपीज आप देख लें, जिन टीपीज का आपके पास इशू आ रहा है वो टीपीज अपने पास नोट करें और उन टीपीज को लगा के आपने अपने डिश एंटीना को सेट करना है। बाकी LNB पोजिशन अगर पाकसैट की बात करें तो मेरे पास LNB पोजिशन कुछ इस तरह से आ रही है। मेरे पास जो LNB है ये 4 पोर्ट वाली LNB है, ये आप देख सकते हैं 4 पोर्ट वाली LNB है। इसकी पोजिशन मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास फुल चैनल रिसीव होते हैं। तो बाकी जो नॉर्मल सिंगल पोर्ट वाली LNB होती है तो उसको आपने हॉरिजॉन्टली रखना होता है तो तभी इसके सिग्नल स्टेबल होते हैं। बाकी LNB को आप एडजस्ट करके चेक करें, जहाँ पे आपको बेस्ट सिग्नल मिले वहाँ पे आपने इसको रख देना है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने यहाँ रखेगा, खुदा हाफिज़।